My name is Rudeshwar Singh Bhati. I am 12 years old and I study in DPS. My hobby is to play video games. My favorite video game is WWE 2K15. Some of my favorite hobbies are to sing, to play video games and to play on the laptop. एक बार मेरे चार दोस्त आ गए थे. मैं अपने पापा के साथ चेस खेल रहा था तो मैंने पापा को बोला कि 6 प्लेयर का चेस बन सकता है क्या. तो हमने रिसर्च की लैपटॉप पे तो पता चला कि हेक्सागन पे ही खेल सकते हैं. तो मैंने और पापा ने बहुत ट्राई किया पर उस पर खेलने में तकलीफ हो रही थी. तो मैंने पापा को कहा कि मैं 6 प्लेयर्स का सर्कुलर चेस बोर्ड बना देता हूँ. मैंने बहुत रिसर्च की थी. मेरे पापा मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की थी. और फिर मैंने डिस्कवर कर लिया कि कैसे इन्वेंट करना है 6 प्लेयर चेस. 2011 में मैंने उसे इन्वेंट कर दिया और उसके एक साल बाद मैंने 12 प्लेयर चेस का आविष्कार किया. क्योंकि मैं इंडिया में चेस इन्वेंट हुआ था और मैं चेस की हिस्ट्री को आगे तक ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने 12 प्लेयर सर्कुलर चेस 2012 में इन्वेंट किया. 12 प्लेयर का चेस बनाने के बाद मुझे लगा मैं और ज़्यादा प्लेयर्स का चेस बना सकता हूँ. तो मैंने 60 प्लेयर के चेस पे रिसर्च शुरू कर दी और फिर मैंने 60 प्लेयर का चेस बना दिया. मैंने जो 60 प्लेयर का चेस बनाया है उसमें इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स और 60 प्लेयर्स खेल सकते हैं टाइम पे. मैंने जो चेस इन्वेंट किया उसमें मेरे मम्मी पापा को और मेरे दोस्तों को खेलने में बहुत मज़ा आता है. मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल को बहुत गर्व हुआ था मुझ पर जब मैंने 12 प्लेयर और 60 प्लेयर चेस बनाया था. मुझे ईको में रैंप लगाने के लिए आइडिया ऐसा आया कि मेरे पापा मुझे उठा के ले जाते थे जगहों पे, हम दोनों को तकलीफ होती थी. तो फिर मैंने पापा से पूछा ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलती जिसमें व्हीलचेयर चली जाए. तो पापा ने बोला ऐसी तो नहीं मिलती शोरूम्स में. तो मैंने एक बार ईको देखी, उसमें स्लाइडिंग डोर था. तो मैंने उस पर रैम मॉडिफिकेशन करने के लिए बोला पापा को. मैंने पापा को बोला कि आप ईको घर ले आओ, मैं उसमें रैम मॉडिफिकेशन करवा दूँगा. मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. मेरा आइडियल पर्सन स्टीफन हॉकिंस हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते पर उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए. एक बार मैं 9x9 सुडोकू खेल रहा था. मेरा भाई बहुत उदास था. मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो वो बोला मैम ने मुझे साइंस प्रोजेक्ट लाने को कहा है. तो फिर वो मुझसे पूछा कि तू ही बता दे मुझे क्या बनाना है, तू तो इन्वेंटर है. तो मैंने बोला मैं 16x16 सुडोकू बना देता हूँ. और फिर ऐसे 16x16 सुडोकू का आविष्कार हुआ. सांसों में आंधी है, मैं भी तो तैयार हूँ. सबसे बड़ी ये जंग है, मैं भी तो तैयार हूँ. आगाज हूँ मैं, उम्मीद हूँ मैं, हर हार जीतेंगे. मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना. मैं हूँ वो रफ्तार जो कभी रुके ना. मैं हूँ वो ऊंचाई कोई छू सके ना. मैं हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है. ए शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आई हैव मेड अ कोटेशन ऑन डिसेबिलिटी एंड इट इज द ओनली डिसेबिलिटी इज लो सेल्फ एस्टीम, पीपल हु कैन नॉट वॉक कैन फ्लाई विद देयर एटीट्यूड। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनकथीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की ओड़ा ओड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाते या तंती सांसों की डोरी। आश नींद न दो चाहे टहनी का आश छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा के पुल के पंख टूट जाएंगे। चेस वॉज इन्वेंटेड इन माई कंट्री, सो आई वॉन्टेड टू टेक द ग्लोरियस पास फर्दर, सो आई इन्वेंटेड 6, 12 एंड 60 प्लेयर सर्कुलर चेस।